हाय फ्रेंड, आप सभी को फिर से मेरे न्यू रेसिपी ब्लॉग पर स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाला हूँ तीता बैंगन। तीता बैंगन को मैं सबसे पहले धो के रखा हुआ है, आप भी देख सकती हूँ। इसको फिर से मैं दो या तीन चार फाड़ कर दूँगी। अब इसके ऊपर में ऐड करूँगी हल्दी। हल्दी ऐड करके मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर से मैं धूप में सुखाऊँगी। अब धूप में सुखा के हो चुका है, अब यहाँ पे देख सकती है थोड़ा सा ड्राई टाइप का हो रही है। अब तीता बैंगन बनाने के लिए यहाँ पे मैं ऑयल गरम करूँगी। ऑयल गरम होने से पहले यहाँ पे मुझे बहुत ही चाय पीने में था। अब मैं चाय बना रही हूँ एंड मैं सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही मीठा आलू बॉईल किया था, इसके साथ में खाऊंगी। एंड अब तेल गरम हो गया है। गरम होने के बाद अब मैं इंडक्शन ऑफ करती हूँ। अब मैं तीता बैंगन को यहाँ पे मैं कटोरी भी बोला जाता है एंड यहाँ पे बाटी भी बोला जाता है, यहाँ पे मैं लेके यहाँ पे डाल चुका है। डालने के बाद यहाँ पे मैं ग्रीन चिली छोटा छोटा काटा हूँ। कटने के बाद यहाँ पे मैं ऐड किया हूँ एंड ऐड किया हूँ जीरा पाउडर। जीरा पाउडर के बाद मैं चिल्ली पाउडर ऐड किया हूँ। चिल्ली पाउडर के बाद में धनिया पाउडर ऐड किया हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं नमक ऐड किया हूँ। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं ऑयल गरम करके रखा था, ऑयल गरम करके ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद यहाँ पे मैं ऐड किया हूँ। ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैं मिक्स किया हूँ। अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब मैं कैमरा को रखने वाला हूँ, रख के मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब मिक्स करके हो चुका है, बहुत ही टेस्ट लग रहा है। यानी यहाँ पे देख सकती है मैं बटर में भी बना चुका है। मेरी शीशा वाला बटर नहीं है, ये प्लास्टिक वाला बटर है। शीशा वाला में डालने से बहुत अच्छा होता है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अब यहाँ पे धूप में सुखाना पड़ेगा। आई होप कि आप सभी को मेरी आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी। आज की ब्लॉग यही पे मैं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग पर फिर से मिलते हैं। बाय बाय।